morning, students. We are starting the chapter statistics of your syllabus. Statistics में हम क्या पढ़ेंगे, mainly आपका dispersion topic पढ़ेंगे, ठीक है. First of all, see here. यहाँ मैंने section A के कुछ बच्चों के marks लिखे हैं and below are the marks of some students of section B, ठीक है. देखा जाए तो section A की जो average है वो 25 आएगी और सेक्शन बी की जो एवरेज है वो भी 25 आएगी. एवरेज का फॉर्मूला आपको पता ही है, सम ऑफ मार्क्स अपॉन में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है. इसकी भी 25 आ रही है, इसकी भी 25 आ रही है, तो एवरेज दोनों की सेम आ रही है, ठीक है. बट एवरेज देख के हम ये नहीं बता सकते कि कौन से सेक्शन में कौन से टाइप के बच्चे हैं. अब मान लो मेरे को ना एक क्वेश्चन देना है सॉल्व करने को, दैट इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, ठीक है. अब सेक्शन ए में देखिए, ये जो एवरेज मार्क्स है 25, सारे बच्चे 25 मार्क्स के आसपास ही रिवॉल्व कर रहे हैं. मतलब सेक्शन ए के बच्चे ऑन एंड ऑल एवरेज है, बिलो एवरेज नहीं है, अबव एवरेज भी नहीं है, बट एवरेज बच्चे हैं, ठीक है. ऐसे पर सेक्शन बी में क्या है, या तो बच्चे बहुत ही नलायक है, मतलब कम इंटेलिजेंट है, या जो बच्चे हैं एक्सेसिव इंटेलिजेंट है, एवरेज टाइप के बच्चे कम है, ठीक है. तो जो मुझे क्वेश्चन देना है सॉल्व करने के लिए, क्या प्रोबेबिलिटी है सेक्शन ए में दिया जाएगा तो ज्यादातर बच्चे उसको सॉल्व कर लेंगे. मीडियम सा क्वेश्चन है अगर ठीक ठाक सा सिलेबस का, तो सेक्शन ए के ज्यादातर बच्चे उसको सॉल्व कर लेंगे. बट सेक्शन बी में पॉसिबिलिटी क्या है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि काफी बच्चों का रैंक देखा जाए तो एवरेज से बिलो है, ठीक है. तो हम एवरेज देख के नहीं बता सकते ना कि क्या इसकी एक्चुअल पोजिशन क्या है उस क्लास की. तो हमें एक वैल्यू चाहिए होती है डिस्पर्सन, या जिसको हम वेरिएबिलिटी बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं, या इसको स्कैटरिंग ऑफ डाटा भी बोलते हैं, ठीक है. तो हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारे सेक्शन ए के मार्क्स हैं 25 जो एवरेज मार्क्स हैं उसके आसपास ही बिखरे हुए हैं. मतलब कुछ थोड़े से अंदर है, 25 से थोड़ा सा कम, कुछ 25 से थोड़ा सा ज्यादा. तो इसका मतलब जो उसकी डिस्पर्जन या स्कैटरिंग है दैट इज लो. सेक्शन ए के डिस्पर्जन हमारी कम है, मार्क्स जो है बिखरे हुए नहीं है, हमारी मिड वैल्यू के आसपास ही है, ठीक है. पर जो सेक्शन बी है उसके मार्क्स 25 से या तो बहुत दूर है, या फिर बहुत ही जो है, मतलब या तो बिल्कुल ही उससे बहुत कम है, या फिर बहुत ज्यादा है, ठीक है. तो उसकी डिस्पर्जन क्या है, जो वेरिएबिलिटी या स्कैटरिंग है उसकी डिस्पर्जन जो है वो हाई है. तो ये हमारा डिस्पर्जन होता है कि हमारा जो वैल्यू है, हमारा जो डाटा है वो मिड वैल्यू से कितनी पास है, कितना बिखरा हुआ है या नहीं बिखरा हुआ, ठीक है. और जो डाटा जिसमें हमारी डिस्पर्जन लो होगी, वो डाटा हमारा रिलायबल होएगा. रिलायबल मतलब विश्वास करने योग्य है. जैसे मैं इसमें बता रही हूँ कि क्वेश्चन दिया जाए तो प्रोबेबिलिटी है कि सारे बच्चे ऑलमोस्ट इसको सॉल्व कर देंगे, तो दिस इज द रिलायबल डाटा. जिस डाटा की स्कैटरिंग कम होगी उसको रिलायबल डाटा बोला जाएगा. तो हम सीखते हैं कि स्कैटरिंग हम कैसे निकाल सकते हैं, स्कैटरिंग को, वेरिएबिलिटी को या डिस्पर्जन को हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है. तो मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन है हमारे पास चार तरह के हैं. वी हैव फोर मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन. फर्स्ट इज रेंज, देन मीन डेविएशन, देन क्वार्टाइल डेविएशन, एंड देन स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है. ये जो क्वार्टाइल डेविएशन है दिस इज नॉट इन योर सिलेबस. रेंज क्या होता है ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, हाइएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, दिस इज योर रेंज, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी सेक्शन बी का डाटा बनाया था, उसमें सबसे कम जो है 2 नंबर थे किसी बच्चे के, और सबसे ज्यादा आई थिंक वो कितने नंबर थे उसके, 48. तो एक तरह से रेंज कितनी हो जाएगी इसकी, 48 माइनस 2 दैट इज 46. एंड आप सबको पता है हमारा जो एवरेज था वो 25 था, वो इससे बहुत दूर है. तो रेंज भी जो है वो हमारा रिलायबल मेजर ऑफ डिस्पर्जन नहीं है, बहुत अच्छा नहीं है. इसके बाद हम पढ़ते हैं मीन डेविएशन. मीन डेविएशन पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम रिवाइज करते हैं, मीन क्या होता था, मीडियन क्या होता था, ठीक है. मीन क्या होता था, मीन के लिए हमारी 2 तरह की सीरीज होती थी, या तो इंडिविजुअल सीरीज, या फिर हमारी होती थी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन.
ठीक है, तो इंडिविजुअल सीरीज में तो क्या करते थे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में, सॉरी सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये हमारा हो जाता था मीन। जितना भी डाटा दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल मैंने ए का डाटा लिया था, उसका मीन कैसे निकालेंगे, ए क्लास में जितने भी बच्चे थे उनके मार्क्स लिए, ऐड कर दिया अपॉन में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अगर दी होती थी, ये एक्स दिया होता था, ये एफ आई दिया होता था, यहाँ पे हम क्या करते थे एफ आई एक्स आई निकाल लेते थे मल्टीप्लाई करके इनको, तो फॉर्मूला क्या आ जाता था हमारा मीन का, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। आई थिंक ये याद आ गया होगा। एक्स कई बार क्या होता है, हमें क्लास इंटरवल की फॉर्म में दे रखा होता है, क्लास इंटरवल फॉर एग्जाम्पल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, तो इसमें एक्स कैसे निकाला जाता है, इनकी मिड वैल्यू 0 से 10 की मिड वैल्यू क्या हो गई 5। कैसे पता लगा, 0 + 10/2 5, 10 + 20/2 30/2 दैट इज 50। ठीक है, मिड वैल्यू वैसे भी पता लग जाती है, तो ये एक्स आ जाता है हमारा। फिर वही एफ आई एक्स आई मल्टीप्लाई किया, टोटल किया, एंड ये हमारा आ जाएगा मीन। ठीक है, मीन निकालना आ गया, मीन याद आ गया। उसके बाद हम चलते हैं मीडियन। ये जो मीन और मीडियन होता है, ये होते हैं हमारे सेंट्रल टेंडेंसी निकालने के मेथड्स, मतलब इन्हीं को हम एवरेज वैल्यू बोलते हैं, या तो मीन या मीडियन, दोनों को हम एवरेज बोल सकते हैं। मीडियन कैसे निकाला जाता था, जो भी हमारा डाटा होता था, मान लो इंडिविजुअल डाटा है हमारा, मतलब हमें नंबर्स दे रखे हैं बहुत सारे, इंडिविजुअल सीरीज है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 0, 4, 8, 2, 3, 8, 6, 2 and 5, क्या करते थे इसको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में चेंज करते थे, 0, 2, 3, 5, 4, 5, 6, 8 and 8, फिर हम चेक करते थे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, अगर n आपका 8 है मतलब इवन है, तो n/2 + n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन / 2, मतलब 8/2 = 4, 4 और 5th ऑब्जर्वेशन 1, 2, 3, 4, ये दोनों अपॉन में 2 दैट इज 9/2 दैट इज 4.5, दिस विल बी द मीडियन। हमने क्लास 10th में किया हुआ है, 9th में भी, अगर हमारा डाटा मान लो ऑड होता तो क्या करते, n + 1/2th ऑब्जर्वेशन, ये हमारा आंसर होता। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास ये 8 नहीं होता तो मैं क्या करती, 7 है ना मेरे पास, 7 + 1 = 8, 8/2 दैट इज 4th, 1, 2, 3, 4, तो मेरा आंसर क्या आता है यहाँ पे 4। ठीक है, अगर मेरा लास्ट वाला 8 ना होता तो आई थिंक समझ आ गया होगा यहाँ पे मीडियन कैसे निकाला जाता है। इसके बाद मीडियन आता है हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में फॉर एग्जाम्पल हमें क्लास इंटरवल दिए हुए हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, हम क्या करते थे इनका x निकालते थे 5, 15, 25, फ्रीक्वेंसी मान लो दे रखी है 2, 3, 1, इसके बाद हम क्या करते थे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते थे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है 2 एज इट इज, 3 and 2 = 5, 3 and 1 = 4, कुछ इस तरह से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल जाती थी। तो मीडियन का हमारा फॉर्मूला क्या होता था, L + n/2 - CF / F इंटू में H। ये आपका क्लास 10th में अगर नहीं आता था तो एक बार क्लास 10th में रिव्यू कर लीजिए। L क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। ठीक है, अब मीडियन क्लास कैसे निकाली जाती है, जो हमारा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होएगा 3, 4, 5 और 1, 6, ठीक है, 6/2 कर लेंगे, मतलब n/2 किया 3 आ गया, तो हम ये चेक करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 3 के बाद वाली जो है ना वैल्यू, ये हमारी मीडियन क्लास हो जाएगी। ठीक है, 10 क्या हो जाएगा इसकी लोअर लिमिट, n/2 का मतलब क्या हो जाएगा 6/2, cf क्या होता है, ये जो हमारी मीडियन क्लास है इससे ऊपर वाला cf होता है तो 2 हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, मीडियन क्लास वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है वही हमारी फ्रीक्वेंसी होती है। एच क्या होता है, इनके बीच का इंटरवल दैट इज 10। तो आई थिंक याद आ गया होगा क्या था, मीडियन क्लास निकालनी है n/2 करके, n/2 3 आ गया, 3 से अगला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 3 से नेक्स्ट। ठीक है, उसके बाद cf कौन सा होता है, मीडियन क्लास से ऊपर वाला, f होता है मीडियन क्लास वाली फ्रीक्वेंसी,
एल होता है इसकी लोअर लिमिट, एच क्या होता है इनके बीच का इंटरवल, एंड कैलकुलेट द मीडियन। तो मीडियन आप लोग निकाल लेंगे, मीन भी आप लोग निकाल लेंगे। इसके बाद आते हैं मीन डेविएशन के फॉर्मूले पे, जो हमारा टॉपिक है। तो मीन डेविएशन जो है उसको हम एम डी लिखते हैं। अगर मीन डेविएशन मीन के अबाउट निकाला जाए तो उसको ऐसे लिखा जाएगा, और अगर मीन डेविएशन हमारा मीडियन के अबाउट निकाला जाए तो उसको ऐसे लिखा जाएगा। क्वेश्चन में गिवन होएगा फाइंड द मीन डेविएशन ऑफ दिस डाटा फ्रॉम द मीन, फाइंड द मीन डेविएशन फ्रॉम द मीडियन। ठीक है, तो ये अलग अलग होते हैं फॉर्मूले। अब मीन से अगर निकाला जाएगा तो फॉर्मूला हमारा क्या होगा, सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। यहां हो जाएगा आपका आई इज इक्वल टू वन से आई इज इक्वल टू एन तक। ठीक है, ये तो हो गया आपका डिस्क्रीट डाटा के लिए। डिस्क्रीट डाटा मतलब अगर हमें अलग अलग इंडिविजुअल सीरीज दे रखी है तो ये फॉर्मूला हम पुट करेंगे। उसके बाद अगर हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखी है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दे रखी है, तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार सिग्मा आई इक्वल टू वन आई इक्वल टू एन बाय में। बस जैसे एफ आई एक्स आई निकालते थे ना, तो एफ आई को उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हमारा मॉड्यूलस है अपॉन में एन। ठीक है, ऐसे ही मीडियन है, क्या करना है हमें, अगर हमारी इंडिविजुअल सीरीज है तो एक्स आई माइनस ये जो आपका मीडियन आएगा एक्स बार की जगह मीडियन अपॉन में एन सिग्मा। ठीक है, और अगर हमारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दे रखी है तो सेम एफ आई मोड ऑफ एक्स आई माइनस मीडियन अपॉन में एन। करना वही है, फॉर्मूला सेम है, जस्ट मीन की जगह मीडियन हमें लिखना है। ठीक है, ये हमारे इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मूला और ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन कराती हूँ जो आपका इंडिविजुअल सीरीज का है, थोड़ा सा ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन है आपका फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन, मीन से हमें मीन डेविएशन निकालनी है। तो क्वेश्चन इज इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन है 38, 70, 48, ऐसे ना लिख के मैं इसको टेबल में लिख रही हूँ। इंडिविजुअल सीरीज है मेरी एक्स आई 38, 70, 48, 40, 42, 55, 63, 46, 54 एंड 44। ये हमारी एक्स आई की वैल्यू है, मतलब इसको ऐसे दे रखा था कॉमा लगा लगा के 38, 70, 48 ऐसे लिख रखे थे। ठीक है, मुझे क्या निकालना है, इसका मीन निकालना है। मीन कैसे निकाला जाता है, सबसे पहले तो मीन निकालेंगे तभी तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस 38 प्लस 70 प्लस 48 प्लस 40, सबको प्लस करते रहना 44 तक, अपॉन में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 ऑब्जर्वेशन है आपकी, तो ये आ जाएगा आपका 500/10 दैट इज 50। तो मीन की वैल्यू आ चुकी है 50, एक्स बार इज 50। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, एक्स आई माइनस एक्स बार और इसका मोड, मतलब ये हमारा जो डाटा है ना 38 में से 50 को माइनस करना है और इसका मोड कितना आ गया, माइनस 12, माइनस 12 का मोड कितना आ गया 12, 70 माइनस 50 का मोड 20। पॉजिटिव आ रहा तो पॉजिटिव लिखेंगे, नेगेटिव आ रहा तो उसको फिर पॉजिटिव कर दो, 48 माइनस 50 2, 40 माइनस 50 10, इस तरह से लिखते रहेंगे 12, 20, 2, 10, 8, 5, 13, 4, 4, 6। फिर क्या करना है, सम, सिग्मा का मतलब क्या होता है, सम, इसका हमें सम करना है। तो इसका मैं सम कर रही हूँ, सिग्मा ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार कितना आ जाएगा हमारा 84, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही आएगा। तो हमारा मीन डेविएशन मीन से कितना हो जाएगा, ये फॉर्मूला लगा रही हूँ, 84 बाय में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस दैट इज 10, आंसर आ गया 8.4।
तो आई थिंक समझ आ गया होगा करना क्या है. ये था हमारा इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन. ठीक है, सबसे पहले मीन निकाल लिया, प्लस करके डिवाइड जैसे आप करते हैं मीन को. उसके बाद हर एक टर्म में से उस मीन को माइनस करके मॉड लेके आंसर निकाल के, उसके बाद इसका सम करना है क्योंकि सिग्मा था यहाँ पे, सम करके 84/10 ही हमारा आंसर आ गया. ठीक है, इसी क्वेश्चन में अगर हमारा मीडियन होता तो हम क्या करते, मीडियन निकालते सबसे पहले. क्या करते सबसे पहले, इसको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग में अरेंज करते. तो मैं इसको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग में अरेंज कर रही हूं, तो ये आ जाएगा हमारा सबसे छोटा नंबर है 38, देन 40, 42, 44, उसके बाद 46, 48, 54, 55, 63, 70, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 10. ठीक है, ये हमारा डाटा अरेंज हो गया. अब मैं मीडियम से बता रही हूँ. तो मीडियम कैसे निकालते हैं, 10 है ना हमारा, इवन है, तो क्या करते हैं n by 2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन, इनको प्लस करके 2 से डिवाइड, मतलब 10/2 5th प्लस 6 ऑब्जर्वेशन बाय में 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. फोर्टी एट प्लस फिफ्टी फोर बाय में टू 51. तो हमारा मीडियन कितना आ गया, 51. ठीक है, 51 आ गया. अब ये जो हम माइनस कर रहे थे ना, यहाँ 50 की जगह हमारा क्या लिखा जाएगा, 51. बस ठीक है, 50 की जगह यहाँ पे 51 लिखते रहना, जो भी माइनस करके आएगा. एंड कैरी ऑन विद योर सम. जस्ट इतना सा करना होता है, मीन हो तो मीन के साथ निकालना है, मीन को माइनस करना है, मीडियन हो तो यहाँ पे मीडियन को माइनस करना है, आपको आंसर आ जाएगा. यहाँ लिख देना मीन डेविएशन अबाउट मीडियन. ठीक है, वो आ जाएगा, जो भी इनका सम होएगा अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सेम फॉर्मूला बिल्कुल हमारा. ठीक है, तो आई थिंक ये हमारा इंडिविजुअल सीरीज वाला क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा. बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे हाउ टू कैलकुलेट मीन डेविएशन इफ द सीरीज इज आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अगर दे रहा है.